हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस एकेडमी। आज हम लोग हेल्थ सेक्टर के ऊपर बात करेंगे और इस हेल्थ सेक्टर में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा टॉपिक है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन 2020। फ्रेंड्स, ये वो मिशन है जिसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को ये मिशन जो है उसके बारे में लाल किले से इसको अनाउंस किया है। और इस मिशन के अंडर जो भी इस मिशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी इसके बेनिफिट्स होंगे, जो भी इसके ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, उन सब के बारे में आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपका हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ अपने आप में इंडिया में एक बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है और इसीलिए ये यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो यूपीएससी में सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ तो यूपीएससी में दोस्तों इसमें से प्री और मेंस किस तरह से क्वेश्चंस को फ्रेम किया जा सकता है। प्री में तो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो है उसके मेन पिलर्स कौन कौन से हैं, उसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आ रहा है, ऑल दीज थिंग्स कैन बी कवर्ड अंडर प्री, क्लियर। और जब बात आएगी मेंस की तो मेंस में आपको नेशनल हेल्थ पॉलिसी के बारे में पूछा जा सकता है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, ठीक है। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी के ड्रॉबैक्स पूछे जा सकते हैं, उसके बेनिफिट्स पूछे जा सकते हैं, या आपको पूछा जा सकता है, आपको कोई भी ऐसा एसे भी दिया जा सकता है या जीएस में भी क्वेश्चन आ सकता है कि हेल्थ के रिलेटेड वो क्वेश्चन हो, हेल्थ स्ट्रक्चर कैसा है इंडिया का, ये कोई भी एंगल जो है वो मेंस पर्सपेक्टिव से इसको बनाया जा सकता है। तो कहने का मतलब मेंस में ये आपके एसे के भी टॉपिक और मोर और लेस एसे का ये टॉपिक बनेगा ही बनेगा, क्योंकि एसे हमेशा ही मुद्दों के ऊपर बनाया जाता है, ठीक। चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो विमेन एम्पावरमेंट की बात हो जाए, चाहे वो हेल्थ की बात हो जाए, एजुकेशन की बात हो जाए, तो कहने का मतलब क्या है, जो भी इंडिया के बड़े मुद्दे हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस आपके फ्रेम किए जाते हैं। और इन सब मुद्दों में से वन ऑफ द जो बिगेस्ट है वो है आपका हेल्थ सेक्टर, ठीक है। तो चलिए अब नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो 15 अगस्त को हमारे पीएम ने अनाउंस किया है उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले दोस्तों ये नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो है ये क्यों बनाया जा रहा है, इसका बेनिफिट क्या है। इट विल प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इकोसिस्टम। अब यहाँ पे क्या है, ये डिजिटली, ये जो वर्ड है ना फ्रेंड्स डिजिटल, एक ऐसा हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया में जो पूरा का पूरा हमारा जो इंफ्रा है उसको डिजिटली कनेक्ट कर दे, चाहे वो पेशेंट के बारे में हो, चाहे वो हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में हो, चाहे वो डॉक्टर्स के बारे में हो, चाहे वो इंडिविजुअल के बारे में हो, चाहे वो पेमेंट्स हो, ठीक है, कुछ भी हो, पूरा का पूरा हेल्थ स्ट्रक्चर जो है उसको डिजिटली कनेक्ट करने की बात की जा रही है, दैट इज़ नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। अब इसमें नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन वुड प्रोवाइड टेक्नोलॉजी टू मैनेज एंड एनालाइज डाटा। ये जो आपका नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है दोस्तों, ये क्योंकि मैंने आपको बताया कि डिजिटली कनेक्ट करने की बात की जा रही है, तो इट विल प्रोवाइड टेक्नोलॉजी टू मैनेज एंड एनालाइज द डाटा। कौन सा डाटा, जो आपके पेशेंट हैं उनका डाटा, जो डॉक्टर्स हैं उनका डाटा, ठीक है। अब देखिए जो आपका नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है ना दोस्तों, ये वाला मिशन, इसमें मेनली किया क्या जा रहा है कि जितने आपके पेशेंट्स हैं, कोई भी पेशेंट है, ठीक है, आपका एक जैसे आपका आधार कार्ड है, आधार नंबर है, ऐसा ही आपका अलग से हेल्थ जो है वो पिन बना दिया जाएगा, एक आईडी बना दी जाएगी। आप जिंदगी भर किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, आपका पूरा जो उसका ब्यौरा है कि आप किस डॉक्टर के से कब मिले, उसकी प्रिस्क्रिप्शंस क्या हैं, ईच एंड एवरी थिंग विल बी कवर्ड अंडर दिस, और वो आपका पिन जो है वो हमेशा आपके पास ही रहेगा और उसमें हर तरह की आपकी इंफॉर्मेशन, मेडिकल हिस्ट्री जो रहेगी वो हमेशा रहेगी, ठीक है। तो इसमें देखिए, इट विल बी अ मेजर स्टेप टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ
यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब देखिए यहाँ पे आपको प्री में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो है ये मेनली कौन सा SDG जो है उसको टारगेट करता है, 3 SDG 3 जो हेल्थ के रिलेटेड है, और 3.8 जो है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज अलॉन्ग विद कवरेज ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। क्लियर। अब दूसरा यहीं से क्वेश्चन अगर मैं और निकालना चाहूँ, और क्वेश्चन बनाना चाहूँ, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs इनके ऊपर भी पर्टिकुलरली क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए किसने हैं, ठीक है, इसकी मेंबर कंट्रीज कौन सी हैं, क्या इंडिया इसको इसमें इंडिया में से इंडिया ने इन कितने आपके ये गोल्स हैं और इंडिया ने इनमें से कितने गोल जो हैं अचीव किए हैं, तो कुछ भी इसमें से भी आपका प्री का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो अब यहाँ पे अब हम बात करेंगे पिलर्स की। तो दोस्तों जो आपका ये नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है ये कौन कौन से पिलर्स के ऊपर खड़ा है, इसके बेसिस क्या है, इसका बेस क्या है, ठीक है ना। हम कहते हैं ना कि जो भी छत होती है ना किसी भी घर की, घर बनता कैसे है, दीवारों से तो नहीं बनता, ऊपर छत भी चाहिए, तो छत है तो पिलर्स चाहिए आपको, ठीक है ना, मजबूत पिलर्स। तो इस मिशन के जो पिलर्स हैं ना आपके, वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका पिलर है दैट इज यूनिक हेल्थ ID, जो अभी अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ये जो आपकी यूनिक हेल्थ ID रहेगी ना, ये एक इंडिविजुअल जो भी इंडिविजुअल पर्सन होगा उसका सारा मेडिकल, आप कह लो कि मेडिकल हिस्ट्री, ये दो चीजें हैं, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स, ये क्या हो गया, ये तो आपकी बन गई ID, आधार कार्ड के तरह, ठीक है ना, कि आपका एक नंबर बन गया। अब उस नंबर में आपका क्या रहेगा हमेशा, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड, जो भी आपकी हिस्ट्री है वो सारी की सारी इस ID के अंदर रहेगी। आप कभी भी आज से 5 साल बाद 10 साल बाद किसी भी डॉक्टर को दिखाएंगे तो आपका वो सारा का सारा डाटा अवेलेबल रहेगा। थर्ड पिलर है हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री। अब देखिए आपका ये डाटा है, आपका हेल्थ का डाटा होगा, ये क्या होगा, किसके सर्वर्स में पड़ा है, ये आपका हॉस्पिटल्स जो हैं उनके सर्वर में रहेगा, या आपका पब्लिक, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट के पास, तो किससे शेयर करना है किससे नहीं करना, उस डाटा जो है उसकी प्राइवेसी क्या है, उसकी सिक्योरिटी क्या है, ये सारी चीज़ों में डील करने वाला है आपका हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री। क्लियर। देन डिजी डॉक्टर्स, डॉक्टर्स को भी वॉलंटरली एक प्लेटफॉर्म दिया गया है कि जो भी डॉक्टर इस पे अपने आप को रजिस्टर करना चाहे, ठीक, वो भी रजिस्टर करें, ताकि हो यहाँ से क्या होगा, डॉक्टर्स भी डिजिटली अवेलेबल है और पेशेंट भी अवेलेबल है, तभी हम लोग डिजिटल इंफ्रा मेडिकल का हेल्थ सिस्टम का क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चार पिलर्स जो हैं ये तो अभी इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। देन आफ्टर ई फार्मा एंड टेलीमेडिसिन, इसके ऊपर काम किया जाना है, ठीक है। ई फार्मा हम चाहते क्या है कि जो हमारा ये नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है इसमें ई फार्मा एंड टेलीमेडिसिन के घर बैठे बैठे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट हो जाए आपकी, जैसे अभी हो रहा है ना कोविड के टाइम पे। कोविड के टाइम पे क्या हो रहा है, कुछ एक स्टेट्स हैं जिन्होंने क्या शुरू किया है, आप ई कम्युनिकेशन, मतलब आप डॉक्टर से घर बैठे, जैसे पंजाब गवर्नमेंट है इसने क्या शुरू किया है, घर बैठे ही डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लीजिए और वहीं से, ठीक है, टेली कम्युनिकेशन, टेली मेडिसिन जिसको बोला जाता है, कि बैठिए घर पे ही, वहीं से आपको डॉक्टर आपकी प्रिस्क्रिप्शंस दे देंगे। क्लियर। तो ये सारे जो हैं 5 जो मेजर पिलर्स हैं ऑफ नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। आगे चलते हैं। अब देखिए मैंने ये वैसे तो यहाँ पे सारा डिस्कस आपसे कर ही दिया है, यूनिक हेल्थ ID, ठीक है, एवरी इंडियन। अब यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा, इट इज वॉलंटरली, ठीक है, वॉलंटरली मतलब क्या है, यहाँ पे आपके ऊपर कोई भी कंपल्शन नहीं है, जैसे आपका आधार कार्ड था स्टार्टिंग में क्या बोला गया था कि इट इज नॉट कंपल्सरी, ठीक है ना। तो ये जो आपका हेल्थ मिशन है ये भी किसी के ऊपर कोई फोर्स नहीं है, ये भी वॉलंटरली मतलब वॉलंटियर, अगर आप करना चाहें पार्टिसिपेट, यू कैन पार्टिसिपेट फॉर योर ओन बेनिफिट। क्लियर। तो एवरी इंडियन, ठीक है, तो इसमें होगा क्या, अंडर द मिशन वुड गेट एन ID कार्ड,
ठीक है, तो आईडी कार्ड होगा सेम जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। देन आफ्टर पर्सनल हेल्थ प्रोफाइल सेम अगेन, कि आपकी जो भी रेंजिंग फ्रॉम द डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स टू द मेडिकेशन प्रिस्क्राइब्ड, कुछ भी प्रिस्क्रिप्शंस हैं आपकी, हिस्ट्री टोटल, किस किस डॉक्टर से मिले, कौन कौन सी मेडिसिन आपने कंज्यूम की, ये सारा डाटा जो है वो अवेलेबल रहेगा। देखिए अब यहाँ पे ना दोस्तों होता क्या है, जब आपका डाटा अवेलेबल है तो क्यों हम लोग इस मिशन को डिजिटली कन्वर्ट करना चाहते हैं हेल्थ को। दोस्तों अगर आपका डाटा, अगर आपकी हिस्ट्री किसी डॉक्टर के पास है तो आपकी जो भी बीमारी है उसका क्योर ढूंढना इजी हो जाएगा। वो इजी कैसे हो जाएगा, डॉक्टर को पता है कि ये वाली मेडिसिन जो हैं इन्होंने आपके ऊपर क्या इफेक्ट डाला है और ये जो दूसरी मेडिसिन है उनका क्या इफेक्ट हो सकता है आपकी बॉडी के ऊपर, क्योंकि उसके सामने सारी रिपोर्ट्स होंगी, सारी आपकी हिस्ट्री रहेगी, कौन सा सॉल्ट आपको सूट करता है कौन सा नहीं करता, ईच एंड एवरीथिंग। तो कहीं ना कहीं ये जो मिशन है, ये पेशेंट जो है उसके बेनिफिट के लिए ये डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। क्लियर, आगे चलते हैं। डिजी डॉक्टर्स, ठीक है, रजिस्ट्री ऑफ डॉक्टर्स, यहीं से क्लियर हो गया आपको, रजिस्ट्री ऑफ डॉक्टर्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो भी हेल्थ प्रोवाइडर्स है, जो भी डॉक्टर्स है, वो वॉलंटरली इसके ऊपर रजिस्टर कर सकते हैं, ताकि वो और उनके नंबर्स हमेशा अवेलेबल रहे, जो भी पर्सन उनसे कॉन्टैक्ट करना चाहे वो कर सकता है। क्लियर, टू प्रोवाइड अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर स्ट्रीमलाइन मेडिकल प्रैक्टिस। क्लियर, देन आफ्टर हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, अ रजिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, रजिस्ट्रेशन, कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर की बात कर ली जाए, हेल्थ फैसिलिटीज की बात कर ली जाए, ई फार्मा की बात कर ली जाए, टेलीमेडिसिन की बात कर ली जाए, ठीक है ना, तो उन सब को रजिस्टर कौन करेगा, किसके पास, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, ठीक है। इट विल कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन हेल्थ केयर फैसिलिटीज यूनिकली आइडेंटिफाइड इन इंडिया, ठीक है, इसके पास सारी इंफॉर्मेशन रहेगी और किसको कितनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, क्या इंफॉर्मेशन शेयरिंग है After consent taken from the patient, ठीक है, वो सारा structure कौन देखेगा, ये आपकी health facility registry। आगे चलते हैं, अब ये तो थे इसके pillars दोस्तों, question बन सकता है pre में कि ये किस ministry के under आ रहा है, ministry of health and family welfare। दोस्तों अगर आप लोगों में से बहुत सारे होंगे जो बिल्कुल fresher होंगे और बहुत सारे होंगे जिन्होंने कभी एक या दो बार pre पहले दिया होगा, तो जिन्होंने दिया है उनको पता है कि यूपीएससी के प्री के एग्जाम में ये जो आपकी मिनिस्ट्रीज हैं, ये मिनिस्ट्री स्पेसिफिक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, कि कोई भी नई स्कीम लागू की है, गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, तो वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, ठीक है। कोई भी कभी भी जब स्कीम का क्वेश्चन आता है ना, कोई भी स्कीम हो, तो उसमें क्या कुछ मेनली देखना होता है, उसकी मिनिस्ट्री कौन सी है, ठीक है, वाई मतलब कि उसको बनाया क्यों गया है, स्कीम को उसका मेनली मतलब वर्क क्या है, ठीक है, उसका वर्क क्या है, तो मिनिस्ट्री एंड वर्क, ठीक है, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो इस केस में भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ठीक है, ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, इसके अंडर सारा काम है, ये पूरा का पूरा प्लान बनाना, इसको फॉर्मुलेट करना, इसको एग्जीक्यूट करना, ईच एंड एवरीथिंग किसके अंडर है जी, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। और ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है क्या, इट इज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। क्लियर, आगे चलते हैं, अब देखिए ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों बनाया गया है। देखिए कोई भी जब मिशन बनता है ना दोस्तों, तो उसका कोई ना कोई पर्पस होता है, गवर्नमेंट किसी कोई भी इनिशिएटिव लेती है तो उसका कोई ना कोई रीजन होता है उसके पीछे, ठीक है, गवर्नमेंट को का कोई ना कोई एम होता है वहां पे फुलफिल करने के लिए। तो सेम थिंग विद दिस मिशन, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके एम क्या है, इसका मतलब इसको बनाया क्यों गया है, वहां पे देखते हैं। टू एस्टेब्लिश नेशनल एंड रीजनल रजिस्ट्रीज, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, टू एस्टेब्लिश, टू क्रिएट नेशनल एंड रीजनल रजिस्ट्रीज, ताकि हमारे पास पूरा का पूरा हर एक ब्यौरा हो, हर एक चिट्ठा हो, पेशेंट का भी और डॉक्टर्स का भी। क्लियर, सेकेंड,
प्रमोटिंग द अडॉप्शन ऑफ ओपन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ओपन स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट हो, हर एक डॉक्टर एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट को चूज करें, तो उन सब चीजों के लिए हम इस मिशन को लेके आ रहे हैं। दूसरा, प्रमोटिंग हेल्थ डाटा एनालिसिस। अब देखिए दोस्तों, आपके पास इंडिया में हम करीब करीब 130 135 करोड़ लोग हैं, है ना। इतने लोग जो हैं, कितनी ही यहाँ पे हेल्थ इश्यूज हैं लोगों को। अगर हम लोग अपने फार्मा सेक्टर अगर देखा जाए, तो आपको भी पता है कोविड के सिचुएशन में भी फार्मा सेक्टर जो है सबसे बूम पे रहा है, ठीक है ना। तो एक फार्मा सेक्टर ऐसा है जो इंडिया में आईटी के बाद अगर हम कहते हैं ना बूम है अगर, तो वो हमारा फार्मा सेक्टर है। तो फार्मा सेक्टर को और ग्रो कैसे किया जा सकता है, अगर हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आरएनडी करेंगे, ठीक है ना। तो आरएनडी कैसे पॉसिबल है दोस्तों, आरएनडी है जब हमारे पास डाटा है। डाटा किसका, पेशेंट का, ठीक है। जब आपके पास पेशेंट का डाटा है, आप उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो। अब जैसा जैसे आप रिसर्च करते जाओगे, वैसे वैसे आप इन्वेंशंस करते जाओगे, ठीक है। तो ये मिशन कहीं ना कहीं हमारे आरएनडी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, उसमें भी बेनिफिशियल रहेगा। तो ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। टू क्रिएटिंग अ सिस्टम ऑफ पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स एक्सेसिबल टू द सिटीजंस, ठीक है। अब हम एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि एक सिटीजन जो है, एक पेशेंट जो है, हर बार एक फाइल उठाए कि कभी इस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास जाए, ऐसा कुछ नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स, हर एक इंडिविजुअल का अपना पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड हो, और जब वो किसी भी डॉक्टर के सामने जाए, अपनी एक आईडी दे, और उस आईडी से डॉक्टर की स्क्रीन के ऊपर, कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर सारी चीज़ें जो है वो क्लियर आ जाए, ठीक है। तो ये हमारा है नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव। चलिए आगे चलते हैं। अब ये तो थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स, तो यार ठीक है, वो तो हमारे एम हैं, तो इन सब चीज़ों से हम बेनिफिट क्या ले सकते हैं। अगर देखा जाए ना, तो यहाँ पे भी ये भी हमारे सारे के सारे अगर देखा जाए बेनिफिट्स ही हैं, ठीक है ना। तो चलिए अलग से देख लेते हैं कि बेनिफिट्स और क्या हो सकते हैं, ठीक है। एक तो इट दिस सिस्टम विल इंश्योर कलेक्शन, स्टोरेज एंड डिसेमिनेशन ऑफ हेल्थ डाटा। अब देखिए, कोई हेल्थ डाटा हमारे पास नहीं है अवेलेबल, हमें नहीं पता किस कौन कितने पेशेंट एचआईवी के पेशेंट हैं, कितने पेशेंट हमारे किस बीमारी से लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो अब ये जब हमें पता होगा कि डायबिटीज़ के पेशेंट इंडिया में इतने हैं, हार्ट डिजीज़ के पेशेंट इतने हैं, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली वी कैन फॉर्मुलेट न्यू पॉलिसीज, ठीक है। तो कहीं ना कहीं नई पॉलिसी बनाने के लिए हमें डाटा की रिक्वायरमेंट होती है, और वो डाटा स्ट्रीमलाइन कैसे किया जा सकता है, ये जो आपका नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, इसकी तरह, इसके जरिए हम कर सकते हैं, ठीक। अगेन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपकी हेल्प करेगा। उसके बाद इट कैन हेल्प टू एनहांस एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़। देखो, एंटरप्रेन्योरशिप कैसे एडवांस हो सकती है इस चीज़ से, एक तो सीधी सी बात है, वही आरएनडी है, ठीक है, आरएनडी है। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब अगर आपको लग रहा है कि इन फ्यूचर प्रॉफिट है, तो आप इन्वेस्ट करोगे, ठीक। दूसरा, मोबाइल एप्लीकेशंस भी होंगी। जब आप किसी चीज़ को डिजिटल में कन्वर्ट करोगे, तो डिजिटल के साथ क्या आएगा, आपका इंटरनेट सर्विसेज आएंगी, ठीक है, आपकी मोबाइल सर्विसेज आएंगी। मोबाइल जो कंपनीज हैं वो भी फ़ायदा होगा, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको भी फ़ायदा होगा, जो आपकी ये मोबाइल एप्लीकेशन प्रोवाइडर्स हैं, वेबसाइट डिज़ाइनर्स हैं, कहीं ना कहीं उनको भी फ़ायदा होने वाला है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, इट विल हेल्प टू इफेक्टिवली मोनिटर वेरियस पब्लिक हेल्थ स्कीम्स। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मुझे, मैं कौन सी स्कीम लेके आऊँ जिससे मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है कंट्री की उसको फ़ायदा हो सके, तो वो कैसे पॉसिबल होगा, जब पहले मुझे पता हो कि मैक्सिमम पॉपुलेशन को चाहिए क्या, क्या उनको डायबिटीज़ के लिए कोई स्कीम चाहिए, क्या उनको कोई हेल्थ रिलेटेड कोई स्कीम चाहिए, ठीक है, तो क्या उनको, उनके लिए कैसा इंश्योरेंस प्लान हम बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, डाटा के ऊपर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं स्कीम्स के लिए भी ये जो होगा बेनिफिट होगा एक। नेक्स्ट जो है, इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ फील्ड्स ऑफ फ्यूचर प्रिसीजन मेडिसिन, ठीक है। अब अगेन आरएनडी है, आरएनडी अब जब जाएंगे आगे करेंगे, तो जीन बेस्ड थेरेपीज हैं, फ्यूचर प्रिसीजन मेडिसिन हैं, वो भी आप इसके थ्रू डेवलप कर पाएंगे, ठीक है। इको फ्रेंडली, अगेन
मैंने आपको पहले ही बताया कि अब इसके बाद आपको डॉक्टर्स के पास जाने के लिए फाइल्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मतलब क्या हो गया, आपका पूरा सिस्टम जो है ये इको फ्रेंडली हो गया है, ठीक है। अब जैसे ही आपका पूरा सिस्टम इको फ्रेंडली बन गया तो कहीं ना कहीं आपका एनवायरनमेंट को भी पॉजिटिव बेनिफिट मिल रहे हैं, ठीक है, और आपके कहीं ना कहीं SDG जो गोल्स हैं हेल्थ के साथ साथ एनवायरनमेंट वाले जो भी, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं आप फुलफिल कर रहे हो। क्लियर, आगे चलते हैं। अब देखिए बेनिफिट है तो कहीं ना कहीं कंसर्न्स भी रहते हैं। हर एक चीज़ के अगर पॉजिटिव हैं तो उसके हमेशा दूसरा पहलू उसका हमेशा रहेगा। याद रखिएगा दोस्तों, UPSC भी आपसे एक चीज़ जो है वो डिमांड करती है, दैट इज़ बैलेंस। आपके आंसर में, आपकी सोच में बैलेंस होना चाहिए। अगर आप किसी भी चीज़ का पॉजिटिव एंगल देख रहे हो तो याद रखिए सिक्का है, सिक्के के हमेशा दो पहलू रहेंगे। अगर पॉजिटिव है तो कहीं ना कहीं उसके इश्यूज भी हो सकते हैं। और बीइंग एन सिविल सर्वेंट, बीइंग एन IAS ऑफिसर, बीइंग एन सेक्रेटरी ऑफ एनी डिपार्टमेंट, अगर मैं हेल्थ डिपार्टमेंट की बात कर लूँ तो ये तो ठीक है, ये तो पॉजिटिव है, ये तो हमने कोई स्कीम बनाई, ये पॉजिटिव है, ये तो बहुत अच्छा। आपका काम क्या है, अगर आप हेल्थ सेक्टर के सेक्रेटरी हो हेल्थ डिपार्टमेंट के, तो आपको ये जो नेगेटिव्स हैं, ये जो इश्यूज हैं, इनको हाईलाइट करना होगा और इनके सॉल्यूशंस लेके आने होंगे। बस आपका काम तो ये है, सॉल्यूशंस लेके आना, ठीक है ना। आप पॉलिसी फॉर्मुलेट करोगे, पॉजिटिव भी बताओगे, नेगेटिव भी। तो अगर पहले हमने यहाँ पे पॉजिटिव बताए हैं दोस्तों, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें नेगेटिव्स को भी हाईलाइट करना होगा। और यही जब आप मेंस का क्वेश्चन भी लिखते हो ना, तो यही नेगेटिव्स आपको आगे वे फॉरवर्ड्स देके जाते हैं। वो कैसे, जो इश्यूज हैं उन्हीं को तो सॉल्व करना है वे फॉरवर्ड में। बस जो जो आपको इश्यूज दिख रहे हैं उसके बारे में आप आगे वे फॉरवर्ड्स लिखते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला तो मेन इशू है डाटा ब्रीच, पॉसिबिलिटी है, सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आपका डाटा जो है वो ब्रीच हो सके। इसीलिए BN श्री कृष्णा, अगर देखा जाए BN श्री कृष्णा कमेटी आपकी बनाई गई थी ना, तो डाटा बिल की भी बात की जा रही है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए, लैक ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पास उतना इंफ्रा ही नहीं है, हम कैसे सारी चीज़ें डिजिटली कनेक्ट कर सकते हैं जब हमारे मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो विलेजेस में है उनके पास नेट फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर नेट है भी तो उसकी स्पीड नहीं है। अगर मैं बात कर लूँ मेट्रो सिटीज़ की, तो वहाँ पर तो 4G स्पीड है, और अगर गाँव की बात कर लूँ तो वहाँ पर 2G स्पीड है। तो ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है भाई, पहले इसको भरिए, देन आफ्टर वी कैन थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, जो कमर्शियल एक्सप्लोइटेशन ऑफ सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यस वेरी राइट। डाटा ब्रीच का जो मुद्दा है वो तो एक अलग मुद्दा है, हो सकता है कोई इंटरनेशनल कंपनीज भी हो वो भी उठा के ले जाए, बट ये कमर्शियल एक्सप्लोइटेशन, आपका डाटा जो है मार्केट में सेल आउट होता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो भी एक कंसर्न है बहुत बड़ा, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक हो रही है। अब ये आपके फंडामेंटल राइट्स के भी खिलाफ है ये वो, ठीक है ना। तो कहीं भी आप एंगल को जोड़ सकते हैं, ठीक। अगेन उसके बाद लैक ऑफ अवेयरनेस, अरे भाई लोगों को पता ही नहीं कि आप नेशनल डिजिटल हेल्थ जो मिशन लेके आए हो, जो आप ID की बात कर रहे हो, उसको बनवाना कैसे है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, क्या नहीं क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप पहले अवेयर करोगे लोगों को, देखिए हो क्या रहा है, अब बैंकिंग सेक्टर की बात कर ली जाए तो क्या हुआ था, लोगों को डिजिटल बैंकिंग के बारे में कोई अवेयरनेस नहीं थी, बट लोगों को वो शिफ्ट होना पड़ा डिजिटल बैंकिंग के ऊपर। तो क्या हो रहा है, आज डिजिटल फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो यही फ्रॉड आपके डाटा ब्रीच में भी कन्वर्ट हो सकते हैं अगर हम इस सिस्टम की बात करें, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। तो सबसे पहले लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए, लोगों को सिस्टम को ऑपरेट करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे कंसर्न्स हैं। चलिए, तो ये तो था अभी तक कि ये जो आपका नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है क्या, और इसके बारे में क्या कुछ हो सकता है, क्या इसके एम्स है, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है। अब देखते हैं, अगर मैं हेल्थ सेक्टर की बात कर लूँ इंडिया में, तो यहाँ पे ना मैंने कोई बहुत ज़्यादा एज इट इज़ कुछ भी इंक्लूड नहीं किया है, बट यहाँ पे कुछ एक ऐसे चीज़ें हैं, कुछ एक ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने ना आप सबको पता होने चाहिए। जब भी आप मेंस का आंसर लिखोगे, ठीक है, तो प्री में आपको स्पेसिफिकली ऐसा कभी नहीं पूछा जाएगा GDP का कितना % इंडिया हेल्थ सेक्टर के ऊपर लगाता है, कभी नहीं पूछेंगे। बट
जब आप मेंस का आंसर लिखोगे या आप एसे लिखोगे तब उस टाइम पे आप लोगों को पता होना चाहिए और आप कहीं ना कहीं मेंशन करोगे, ये चीज़ आपकी नॉलेज रिफ्लेक्ट करेगी हेल्थ सेक्टर के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर मैं बेड डेंसिटी की बात कर लूँ इंडिया में, ठीक है, तो इंडिया में कितने हैं जी, 0.7 बेड्स हैं भाई साहब, 1000 लोगों के पीछे सिर्फ और सिर्फ 0.7। और WHO क्या कहती है जी, 3.5 बेड होने चाहिए 1000 लोगों के पीछे, बट हमारे पास कितने, 0.7 बेड्स हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम कर रहे हैं। इंडिया हैज अराउंड 8 डॉक्टर्स 8 फिजिशियंस पर 10,000, 10,000 लोगों के पीछे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 8 हमारे पास डॉक्टर्स हैं। तो ये सिचुएशन है हमारी हेल्थ सेक्टर की। और हम अपनी GDP का अराउंड 1% लगाते हैं, जो हमारी 2017 है ना, उसकी नेशनल हेल्थ मिशन जो हमारा है उसका टारगेट है कि हम इसको 2.5% ऑफ GDP पे लेके जाएंगे, ठीक है। अब देखिए 2.5% GDP पे हमने लेके जाना है, ये हमारा 2017 में जो हमने प्रण लिया था एक, है ना, कि हम लेके जाएंगे, बट आज 2020 में हम नई पॉलिसी भी ले आए, बट हमसे ये अचीव नहीं हो पाया अभी तक, ठीक। तो अभी हम प्रेजेंटली क्या है, अराउंड 1% ये लगा रहे हैं GDP का, ठीक। अब दो तरह की फंडिंग होती है, एक होती है पब्लिक, ठीक है, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, और एक होती है प्राइवेट। तो इंडिया का हेल्थ सेक्टर ऐसा है दोस्तों जिसमें 75% किसका कंट्रीब्यूशन है, प्राइवेट सेक्टर का, ठीक है। तो अब आप यहीं से लगा सकते हो कि क्यों आपके आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं इंडिया में मेडिसिन के ऊपर, क्योंकि आपकी हेल्थ सर्विसेज का जो प्रोवाइडर है इंडिया में मेनली वो प्राइवेट सेक्टर है, और प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मेकिंग रहता है हमेशा ही, इसीलिए आप लोगों के आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस भी ज़्यादा रहते हैं। आगे चलते हैं, एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट्स अराउंड 31.5% हॉस्पिटल्स एंड 16% हॉस्पिटल बेड्स, 31% और 16% बेड्स जो हैं, और 31% हॉस्पिटल्स, ये कहाँ पे हैं जी, रूरल एरियाज में हैं दोस्तों, वो रूरल एरिया जिसमें देश की 75% आबादी जहाँ रहती है उसके पास सिर्फ और सिर्फ 30% हॉस्पिटल्स हैं, और जहाँ पे सिर्फ 25% आबादी रहती है आपके अर्बन एरियाज में उनके पास 70% हॉस्पिटल्स हैं, और उनके पास शहरों में कितने हैं जी, 84% जो मेडिकल स्टाफ है, और पूरे 75% लोगों के पास कितना मेडिकल स्टाफ, सिर्फ और सिर्फ 16%। तो यहाँ से कहीं ना कहीं अगर आप देख पा रहे हो तो क्या पिक्चर क्लियर हो रही है आपको, कि यार जो मेजॉरिटी ऑफ अवर पॉपुलेशन है उसको तो वो फैसिलिटीज मिल ही नहीं रही जो मिलनी चाहिए। अगर उन लोगों को वो फैसिलिटीज मिल जाए ना, तो अल्टीमेटली हमारा जो इंडिया का हेल्थ बर्डन है, ठीक है, जो लैक ऑफ न्यूट्रिशन का इशू है या कुछ भी, ये अपने आप सॉर्ट आउट हो सकता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब लेस देन 1 ईयर की अगर हम बात कर लेते हैं तो 32 बच्चे मरते हैं पर 1000 लाइव बर्थ, ठीक है। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट अंडर 5 ईयर्स जिसको बोला जाता है, ठीक है, तो वो कितने हैं जी, करीब करीब 37 बच्चे मरते हैं 1000 बच्चे के पीछे अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज, यहाँ पे अंडर 1 ईयर, यहाँ पे अंडर 5 ईयर्स, ठीक। आगे चलते हैं मेटरनल मोर्टेलिटी, मेटरनल मतलब जो विमेन है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ वो कितनी डेथ होती है उनकी, अराउंड 145, 1,00,000 लाइव बर्थ के पीछे कितनी विमेन्स की डेथ होती है जी, 145 विमेन्स, ठीक। देन आफ्टर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, बर्थ के टाइम पे क्या लगता है, इंडिया में जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है दैट इज 67.4, ऑन एन एवरेज इंडिया में एक बंदा 67 साल 67.4% ही जीता है, ठीक, एवरेज इंडिया की। तो दोस्तों ये था आपका हेल्थ सेक्टर का मोटा मोटा, के GDP में कितना लगाते हो, कितने बेड हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें कि रूरल और अर्बन में क्या कुछ डिफरेंस है। तो अगर आप इन सब, ये जितने भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं ना, ये वाले पैरामीटर्स अगर आप इनको भी ध्यान से पढ़ते हो और भी विद टाइम आप एड ऑन करते जाते हो इनमें, तो ये सारा आपका फॉडर मटेरियल काम आएगा कहाँ पे, मेंस में, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था दोस्तों, जहाँ पे हमने हेल्थ सेक्टर में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ में था उसको कवर किया है, ठीक है। तो इसके साथ ही थैंक यू वेरी मच, आपने जो अपना टाइम डिवोट किया, ठीक,
नेक्स्ट लेक्चर में कोई भी नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहेगा करंट अफेयर के रिलेटेड, प्लस जो आपका टॉपिक भी प्रॉपर बने, उसको दोबारा से आपके सामने लेके आएंगे। ठीक है, टिल दैट टाइम स्टे सेफ। और जो भी आपको नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में बताया गया है, इसको ध्यान से पढ़िए, गवर्नमेंट की साइट्स के ऊपर जाइए, वहाँ से नॉलेज गेन कीजिए और इसके बारे में प्रॉपर नोट्स बनाइए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।